आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से हम पबजी मोबाइल ग्लोबल विदाउट वीपीएन खेल सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहले जो हमारे मोबाइल पे पहले से पबजी मोबाइल इंस्टॉल है उसको अनइंस्टॉल कर देना है और फिर हमें डाउनलोड कर लेना है 1111 वीपीएन। अब आप बोलेंगे वीपीएन डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं तो बोल रहा हूँ बिना वीपीएन के चला के दिखाऊंगा गेम को। तो मैं आपको बता दूं हम वीपीएन का सिर्फ इस्तेमाल करने वाले हैं गेम को डाउनलोड करने के लिए और गेम को लॉगिन करने के लिए फेसबुक से। और गेम के अंदर जो डाटा होता है ना, मैप हो गया, रिसोर्स पैक हो गया और साउंड पैक हो गया, वो सब डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद कनेक्ट कर लेंगे। अगर आप पहली बार इसे डाउनलोड कर रहे हैं तो आपके सामने लिखकर आ जाएगा इंस्टॉल वीपीएन प्रोफाइल, तो आपको इंस्टॉल कर लेना है और फिर हमें ओपन कर लेना है इंटरनेट ब्राउजर और यहाँ पर हम सर्च करेंगे पबजी मोबाइल। सबसे ऊपर आ जाएगी पबजी मोबाइल की वेबसाइट, इसे हमें ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट की और वीपीएन की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। सामने आप देख सकते हैं एपीके डाउनलोड लिखा है, हमें इस पर क्लिक कर देना है और फिर से हमको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब वीपीएन तब तक नहीं हटाना है जब तक हमारा ये डाउनलोड कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देखते हैं डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है। और अब हम ओपन करेंगे फाइल मैनेजर, डाउनलोड के फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा पबजी मोबाइल नाम से एक एपीके, इस पर हमें क्लिक करना है और इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे स्टेजिंग ऐप की प्रोसेस चलेगी, तो हमें इंतज़ार करना है, बीच में कोई दूसरा ऐप ओपन नहीं करना है और फिर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और फिर से हमें इंतज़ार करना है। यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है हमारा। अब हम आ जाएंगे होम स्क्रीन में और पबजी मोबाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे एक बात याद रखना, अभी भी मेरा वीपीएन ऑन है, आपको भी ऑन रखना है। पहली बार ओपन करने पे यहाँ पे डाउनलोडिंग चलेगी, हमें इंतज़ार करना है और फिर यहाँ पे रिस्टार्ट के लिए पूछेगा, ओके कर देना है। फिर से हम पबजी मोबाइल ओपन करेंगे और अब हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना है, लोडिंग चलेगी, उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। और अब हम ट्विटर, फेसबुक या फिर गूगल प्ले गेम्स से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद फिर से हमारे सामने एक प्रोसेस चलेगी कंपाइलिंग रिसोर्सेज की, तो हमें इंतज़ार करना है। कंपाइलिंग रिसोर्सेज होने के बाद हम डायरेक्ट गेम के अंदर आ जाएंगे और अब हमको जो भी डाटा डाउनलोड करना है, जैसे मैप्स हो गया, रिसोर्सेज पैक हो गया और ऑडियो पैक हो गया, वो सब कुछ हमें डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हम आ जाएंगे होम स्क्रीन में और पबजी मोबाइल को रिसेंट ऐप्स से हटा देंगे और अब हम डिसकनेक्ट कर देंगे वीपीएन को और अब हम खेल सकते हैं पबजी मोबाइल को बिना वीपीएन के। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर दिया है और यहाँ पर हमको फिर से एक बार कंपाइलिंग रिसोर्सेज की प्रोसेस देखने को मिलेगी, पिछली बार से ज़्यादा स्पीड में और लास्ट बार। और ये हमारा गेम हो चुका है ओपन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, वीपीएन लगा के मैप्स, रिसोर्स पैक और ऑडियो पैक जो भी डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर लेना। अब मैं यहाँ पर डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वीपीएन नहीं लगाया है, लेकिन मैं यहाँ पर गेम खेल पाऊँगा जो भी गेम मैं खेलना चाहता हूँ। इसके लिए भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जल्दबाजी में मैंने इरेंगल मैप अपडेट नहीं किया, तो यहाँ पर मैं बाद में अपडेट कर लूँगा इसको वीपीएन लगा के। अभी मैं आपको एक आर्केड में गेम स्टार्ट करके दिखा देता हूँ हम गेम के अंदर जा पा रहे हैं कि नहीं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ऐसे ही और वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं गेमिंग से रिलेटेड, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।